आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार एनडी गुप्ता का ईसी ने किया नामांकन स्वीकार। कांग्रेस ने ईसी से की गुप्ता के पास लाभ का पद होने की शिकायत। रिटर्निंग ऑफिसर ने गुप्ता को भेजा था कारण बताओ नोटिस। एनडी गुप्ता का राज्यसभा के लिए नामांकन स्वीकार होने के बाद एनडी गुप्ता ने कहा कि अजय माकन के आरोप सही नहीं है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। एनडी गुप्ता का ईसी ने किया नामांकन स्वीकार। संजय सिंह ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कांग्रेस ने की थी शिकायत। एनडी गुप्ता के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत बेबुनियाद। एनडी गुप्ता के नामांकन पर अजय माकन का ट्वीट। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कौन खारिज करेगा एनडी गुप्ता का नामांकन? आपत्ति खारिज होने पर आश्चर्य नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कुमार विश्वास से बातचीत की जाएगी, टिकट नहीं मिलने के कारण कुमार विश्वास आपसे नाराज चल रही हैं। कुमार विश्वास और केजरीवाल सरकार में बड़ी तकरार, कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास को निमंत्रण नहीं, दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा कुमार विश्वास को निमंत्रण। 10 जनवरी को होना है दिल्ली में कवि सम्मेलन, दिल्ली सरकार करवा रही है कवि सम्मेलन का आयोजन, सीएम केजरीवाल करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। दिल्ली में 6 दिनों में राजधानी दिल्ली में ठंड के कारण करीब 44 बेघर लोगों की मौत, इस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग जारी। हाल ही में राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले आप नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार बेघरों के लिए शेल्टर होम का इंतजाम कर रही है और इस बीच ठंड से किसी भी मौत का होना दुखद है। संजय सिंह ने कहा बीजेपी अपने राज्यों की चिंता करे जहां पर बच्ची भात भात कहकर मर जाती है। गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के आईएमएस कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर करीब 23 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। मृतक के सर में गोली लगी हुई थी। लोगों को पता लगते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को युवक का शव पड़े होने की सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान डासना निवासी आमिर पुत्र बाबू के रूप में की। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है।